नमस्ते, मेरा नाम मीति है। मैं एसजी पब्लिक स्कूल पीतमपुरा की छात्रा हूँ। मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैंने दिल्ली ओलंपिक भी जीता है एंड मैं नेशनल प्लेयर भी हूँ। आज हम इस सेशन में सीखेंगे कि हम अपनी बैक कमेंडिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कुछ हम एक्सरसाइजेस, वार्म अप और कुछ आसन भी सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के सेशन में हम जो भी करेंगे प्लीज उसे बेड पे ना करेगा, नीचे जमीन पे कोई योगा मैट, दरी या फिर कोई चद्दर चाहे करेगा। तो हम बेसिक योगा वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए खड़े हो जाइए। सबसे पहले हम जंपिंग करेंगे थोड़ी सी, उसके बाद आगे स्टेप करेंगे। तो अब हम थोड़ी सी जॉगिंग करेंगे। इसी के साथ हम थोड़ी सी हम साइड्स में ट्विस्टिंग करेंगे। तो उसके लिए अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल के अपना एक हाथ यहाँ वेस्ट पे रख के लेफ्ट एंड राइट एक ही टाइम करेंगे। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें कि इसमें आपकी जो बॉडी होगी वो आगे लीन नहीं करेगी, पीछे रहेगी। तो ये कुछ तो इसके बाद ले जाइए अपने दोनों हाथों को आगे रखकर, आपके दोनों पैर पीछे चिपके हुए होंगे, अपनी बॉडी को थोड़ा सा पीछे की तरफ बेंड करना है। वापस फिर से बेंड करेंगे। वापस ये थे कुछ बेसिक वार्म अप। अब हम करेंगे मेन वार्म अप, जिससे कि बैक बेंडिंग हमारी इंप्रूव होती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले लेट जाएं, अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के नीचे रखेंगे और उसके बाद एक एक पैर उठाएंगे। ध्यान रखें जो आपके दोनों पैर होंगे ऊपर से दोनों सीधे होंगे। ऐसा दोनों पैरों से दो दो बार करना है। नेक्स्ट वार्म अप करेंगे, जिसके लिए खड़े होकर अपने पैरों में हल्का सा गैप देके दोनों हाथों को ऊपर करके, ध्यान रखिए जो आपके दोनों हाथ होंगे आपके कान के पास होंगे, उसके बाद पीछे बेंड करेंगे, उसके बाद फॉरवर्ड करेंगे। ध्यान रखिए जब भी आप बैक बेंडिंग करते हैं साथ में फॉरवर्ड बेंडिंग जरूरी होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं, दोनों हाथों को ऊपर करके मैक्सिमम जितना नीचे जाते हैं उतना नीचे जाएंगे। फॉरवर्ड, बैकवर्ड जाएंगे जितना नीचे जा सकते हैं। अब ले जाइए अपने दोनों हाथों को अपने पैरों पकड़ लीजिए और कोशिश करें कि पीछे जाने की कोशिश करेंगे, मतलब एक बार आगे फिर तो दूसरी बार पीछे। आगे अब यहाँ पे ऐसे एम अंगल और इसमें दोनों हाथ ऐसे बांध के पीछे की तरफ जाएंगे, जितना नीचे रुक सकते हैं उतना नीचे रुकेंगे, पूरा नीचे नहीं जाएंगे। ना होल्ड को करेंगे, अब वापस जाएंगे।
ध्यान रखें कि फॉरवर्ड साथ साथ करने हैं। अब हम इसी में ट्राई करेंगे कि नीचे सर तक जो सर है हमारा वो नीचे पैर तक टच हो, कहाँ देखते रहेंगे। अब हम करेंगे चक्रासन। चक्रासन करने के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर बांध के हल्का सा मतलब धीरे धीरे नीचे जाएंगे, और जिनसे खड़े होकर नहीं होता वो लेट कर भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से दिखाऊंगी। पहले हम खड़े भी करते हैं, हाथों को ऊपर करके, और आपका हाथ ऊपर करके होता था ऐसे करके पीछे जा सकते। हाथों को नीचे रखेंगे और जितना पास अपने हाथों को ला सकते हैं पैरों पे, उतना पास ला के हल्का सा होल्ड करेंगे। फॉरवर्ड, अब हम करेंगे लेट करने के लिए अपने पैरों को ऐसे करके अपने दोनों हाथों को अपने कान के पास रखकर अपनी बॉडी में हल्का सा पुश देकर ऊपर उठेंगे ना, और फिर अपने पैरों को जितना पास रखते हैं हाथों का उतना लाएंगे। फॉरवर्ड, ध्यान रखिए जब भी आप योगा करें तो खाने और योगा के बीच में 1.5 घंटे का गैप हो। और हम करेंगे स्ट्रेचिंग साथ बैक बेंडिंग, तो उसके लिए पहले हम हनुमानासन करेंगे। अब इसमें ट्राई करेंगे बैकवर्ड जाने, एक बार बैकवर्ड करेंगे फिर एक बार फॉरवर्ड। तो अपने हाथों को नीचे रखकर जितना बैकवर्ड फिर जानते हो उतना बैकवर्ड जाते। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, आप अपने हाथों से अपने पैरों को ही पकड़ सकते हैं इसमें, और फिर बैकवर्ड भी कर सकते हैं एक हाथ नीचे जमीन तरफ। अब हम करेंगे कुछ आसन, जिसमें सबसे पहले आपको मैं डिम आसन करके बताऊंगी। ये भी चक्र की तरह है, इसमें पहले नीचे जाना है, उसके बाद स्लोली अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ना है यहाँ, और कोशिश करेगा एक एक करके जाएं, एक एक करके पैर पकड़ें, और उसके बाद आपके घुटने जितने सीधे हो सकते हैं उतने सीधे करने की कोशिश करेगा। तो आराम से पहले पीछे जाए और एक एक करके आराम से अपने पैरों को पकड़े। अपने घुटने जितने स्ट्रेट करते हैं उतने स्ट्रेट करें, और आपको जो फेस होगा आपके कानों पे दिखता हो। आराम से वापस आएंगे और ओपन करें। अब मैं आपको शलभासन करके दिखाऊंगी, जिसकी मैंने आपको अभी वो एक्सरसाइज कराई थी। हो शलभासन करने के भी दो तरीके हैं, डायरेक्ट जंप करके और एक चक्र से। मैं आपको दोनों तरीके से बताती हूँ। पहले हम करेंगे डायरेक्ट पेट की बल देखें,
और मैं आपको ये डीजे बताऊंगी। हाँ अब हम करेंगे निकारासन। निकारासन करने के दो तरीके हैं, डायरेक्ट जंप करके और डी से। तो वो डायरेक्ट करता है ना, और अब मैं कहूंगी नौ मैं आपको अपने कुछ एडवांस आसन सिखाऊंगी। पहले हम चक्र में जाएंगे, उसके बाद एक पैर साइड में रख के एक पैर ऊपर उठाने की कोशिश करें। और हम कुछ निकाल के रेशियो सीखेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि फॉरवर्ड के बाद बैकवर्ड करना ना भूले और बैकवर्ड बाद फॉरवर्ड करना ना भूले। अब मैं आपको एक आसन सिखाऊंगी जिसमें कि आप पेट के बल ले जाएंगे। अपने एक पैर को ऊपर करेंगे और एक पैर के सारे दूसरे पैर को ऊपर करेंगे ऐसे। उसके बाद अपने एक हाथ से उसको पकड़ेंगे और पीछे बैकवर्ड की करने की कोशिश लाइक इसको। पहले एक हाथ से ट्राई करेंगे, उसके बाद दूसरा कोशिश करेंगे पैर जितना आगे खींच सके उतना पैर को आगे खींचेंगे। नेक्स्ट मैं आपको और आसन करके दिखाऊंगी।
अब हम भागो मेडलिंग की थोड़ी सी और एक्सरसाइज करेंगे। हम करेंगे धनुष, पहले सिंपल धनुष करेंगे, उसके बाद उसको एडवांस करेंगे। तो उसके लिए पेट लेटन अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ दें, जितना सिंपल जितना अपने पैरों को ऊपर कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करें। और इसे हम करेंगे ऊपर थोड़ा सा बैक बेंडिंग के लिए, अरे इधर ट्राई करेंगे, उसके बाद इसको धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। उसको ऐसे करते करते हमारे बैक बेंडिंग इम्प्रूव हो। नेक्स्ट बस ये ध्यान रखिएगा कि आपके खाने और उसमें योगा में क्या हो, उसके बाद आप ये सब तो बहुत आराम से धीरे धीरे करें इन्हेल एक्सहेल करते हुए। और अब मैं आपको थोड़े से और आसन दिखाऊंगी फिर बैकवर्ड बेंच पे। अब तो इसी साथ ये सेशन ओवर करती हूँ। एंड मैं आगे कहना चाहूंगी एब्रेसियो इंस्टीट्यूट पंजाब को और संजीव सागर जी को, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपना वो हुनर प्रस्तुत करने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे, अपने घर वालों को करवाएंगे और उनको। थैंक यू। थैंक यू नीति, आई हैव नो वर्ड्स टू से थैंक यू और वंडरफुल। इट वॉज अ वेरी नाइस सेशन। यू आर सो फ्लेक्सिबल, यू हैव सो मेनी टैलेंट। थैंक यू सो मच नीति वंस अगेन, एंड आई हैव अ वंडरफुल जर्नी अहेड। यू आर रियली अ चैम्पियन, एंड थैंक यू सो मच हेमंत सर ऑल्सो। थैंक्स अ लॉट।